रोडमैप लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2020 के लिए प्लान किए गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडिफाइड वर्जन के नए टेस्ट। दिसंबर तक इंडियन नेवी में शामिल होगी एक और नई सबमरीन। ऑफिशियल्स का कहना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समय पर भारत को किए जाएंगे डिलीवर। इंडियन आर्म फोर्सेस को भविष्य के बैटल्स के लिए तैयार करने के लिए DRDO अब अपनी लैबोरेटरीज में करने जा रही है एक मेजर लेवल की ओवरहॉलिंग। और अमेरिका के स्पाई प्लेन्स ने चीनी सीमा में घुसकर करी उनकी जासूसी। रशियन न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक टैक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन के CEO का कहना है कि एक्सटेंडेड रेंज के साथ रशियन इंडियन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के कई अलग अलग मॉडिफाइड वर्जन के टेस्ट को 2020 के लिए प्लान किया गया है। और उनके मुताबिक इस साल जिन ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडिफिकेशन को टेस्ट किया जाना है उनमें ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाया गया है। और जबकि एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस A के बारे में उनका कहना था कि ब्रह्मोस A मिसाइल भारत में सफलतापूर्वक सर्टिफाइड कर दी गई है। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को कॉम्बैट में इस्तेमाल करने के लिए भी अभी हाल ही में भारत की सर्टिफिकेशन एजेंसी की तरफ से मंजूरी भी दी गई थी। और बाकी टैक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन के CEO ने भारत और रशिया के इस ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर की तारीफ की है। और उनका कहना है कि काफी तेजी से विकसित हुआ एक जॉइंट वेंचर है जो कि मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स में से एक है। और इसी के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रवक्ता की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का न्यू जनरेशन वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG इसके टेस्ट को 2023 तक पूरा करने के लिए शेड्यूल किया गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि 2023 तक ब्रह्मोस NG मिसाइल के सारे टेस्ट को पूरा कर लिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ काफी लंबे समय तक चलने की संभावना के चलते अब इंडियन आर्मी ने सर्दियों के मौसम में भी लद्दाख क्षेत्र में अपने ट्रूप्स को तैनात करने की सारी तैयारियां कर ली हैं। और जिसके तहत पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के मौसम के लिए जो 30,000 एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा उनके लिए इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड क्लास स्नो बूट्स, ग्लव्स, लेयर जैकेट्स, ट्राउजर्स और स्लीपिंग बैग्स को खरीदा है। और ऐसा पहली बार है जब पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर लंबी LAC पर सर्दियों के मौसम में भी इतनी बड़ी तादाद में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। और यहाँ पर तैनात ट्रूप्स को आर्कटिक टेंट जैसे नए स्लीपिंग हैबिटेट और स्पेशल हाई न्यूट्रिएंट डाइट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और नॉर्मल कंडीशंस में सर्दियों के मौसम में यहाँ पे ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट 2 ब्रिगेड यानी कि करीब 10,000 ट्रूप्स से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इस बार एडिशनल 30,000 ट्रूप्स को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। और जबकि इसी बीच भारत में चाइनीज एम्बेसडर सन विडोंग की तरफ से गलवान घाटी वाली घटना पर एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि गलवान घाटी में जो हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ये एक ऐसी घटना थी जिसे ना तो भारत और ना ही चीन देखना चाहता था। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब हम इसे ठीक करने के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं। और उनके मुताबिक गलवान घाटी वाली घटना हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक ब्रीफ मूवमेंट है। उनका ये भी कहना था कि 70 साल पहले जो चीन और भारत के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से दोनों देशों के बायलेटरल रिलेशंस काफी तरह के टेस्ट से गुजरे हैं और अब ये रिलेशंस और भी ज्यादा अस्थिर हो गए हैं। और उनका कहना था कि ये रिलेशंस किसी एक चीज की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और एक नई सदी में हमें हमारे बायलेटरल रिलेशंस को आगे ले जाने की सोचनी चाहिए न कि पीछे ले जाने की। और एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है कि चीन भारत को एक पार्टनर के तौर पर देखता है न कि राइवल के तौर पर और वे भारत को किसी खतरे के बजाय एक अवसर के तौर पर देखते हैं। और बाकी चाइनीज एम्बेसडर ने और भी ऐसी कई अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन इन बातों का मतलब तभी है जब चीन इस पर सच में काम भी करे, क्योंकि सिर्फ बातें करने से रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। और अगर चीन वाकई में भारत के साथ अपने बायलेटरल रिलेशंस को आगे ले जाने की सोच रहा है तो सबसे पहले तो उसे पूर्व लद्दाख में जो उसने हरकत की है वैसी हरकत करनी बंद करनी पड़ेगी। कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन INS क्रंच इस साल दिसंबर के महीने में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जाएगी। और जबकि इस क्लास की पहली दो सबमरीन INS कलवरी और INS खंडेरी ऑलरेडी इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हो चुकी हैं। और जबकि नेवल सोर्सेज के मुताबिक इस क्लास की चौथी सबमरीन INS वेला अगले साल के अंत तक इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगी। बाकी इसके अलावा चीन से चल रही तनातनी के बीच अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने महो स्थित बौर कॉलेज में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर एक बेहद ही अहम सेमिनार का आयोजन किया था और इस सेमिनार में इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे। और इसी सेमिनार के दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि मौजूदा तकनीक को सेना में सम्मिलित करने की जरूरत है और इसी के तहत मौजूदा हथियार और सैन्य साजो सामान को तकनीकी तौर से अपग्रेड किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना था कि इस बात की भी बेहद जरूरत है कि नई तकनीकों को ढूंढ कर सेना में शामिल किया जाए और फिर भले ही वे डुअल यूज की टेक्नोलॉजीज क्यों ना हो। और इस सेमिनार में आर्मी में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने की बात की गई है। और बता दें कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, साइबर वॉरफेयर, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पेस और ऐसी अन्य एडवांस टेक्नोलॉजीज आती हैं। और जबकि ऑफिशियल्स के मुताबिक चीनी सेना को इस डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में महारत
हासिल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चाइनीज आर्मी है वो कन्वेंशनल वॉर यानी कि आमने सामने की लड़ाई में इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए वो इस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल करके ही युद्ध लड़ने में विश्वास रखती है। और चीन की इसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए ही इंडियन आर्मी ने भी अपने आप को टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के लिए तैयार करने की बात कही है। और इस सेमिनार की खास बात ये भी थी कि इसे ऐसे समय पर आयोजित किया गया है जब उससे एक दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने यह कह दिया था कि अगर चीन के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो फिर भारत के पास मिलिट्री ऑप्शन भी खुला हुआ है। रशिया में इंडियन एम्बेसडर वेंकटेश वर्मा का कहना है कि चाइनीज वायरस महामारी का असर भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा। और उनके मुताबिक रशिया भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी उसके तय समय के अनुसार ही पूरी करेगा। और इसके साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस बात की संभावना है कि अगले साल तक भारत और रशिया कैमॉक के 226 हेलीकॉप्टर्स की डील को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनका कहना था कि इस डील के तहत इन कैमॉक हेलीकॉप्टर्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कुछ टेक्निकल डिस्कशंस चल रहे हैं, जिनके जल्द ही सफलतापूर्वक पूरा होने की उम्मीद है और फिर उसके बाद हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की अगले स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो एक कैमॉक के 226 हेलीकॉप्टर्स वाली डील है ये काफी पुरानी है और काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है। और अगर आप इन कैमॉक हेलीकॉप्टर्स की डील के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये डील क्या है और भारत इन हेलीकॉप्टर्स को क्यों ले रहा है, तो इन सबके रिगार्डिंग हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले महीने रशिया की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि रशिया में ASEO लीडर्स की 3 दिवसीय मीटिंग आयोजित की जाने वाली है। हालांकि इस मीटिंग में चाइनीज और पाकिस्तानी लीडर्स भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दोनों लीडर्स के साथ किसी भी तरह के बायलेटरल टॉक्स नहीं करेंगे। और जबकि भारत ने कई अलग अलग तरह के स्पेयर पार्ट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए रशिया के साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जल्द ही साइन होने की उम्मीद जताई है। इंडियन आर्म फोर्सेस को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने के लिए अब DRDO अपनी लेबोरेटरीज की एक मेजर लेवल पर ओवरहॉलिंग करने जा रही है और साथ ही एक एक्सपर्ट पैनल को स्थापित किया जाएगा जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने के लिए चार्टर ऑफ ड्यूटीज की समीक्षा करेगा। और ये पैनल IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर पी रामगोपाल राव की अगुवाई में हर एक लेबोरेटरी के नेचर ऑफ वर्क को काफी डीप लेवल पर जाकर देखेगा और जिसके बाद फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर चार्टर ऑफ वर्क को फिर से रीडिफाइन किया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इस एक्सपर्ट पैनल में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद रहेंगे। और जबकि इसके अन्य मेंबर्स के तौर पर इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ और DRDO के अन्य दो रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होने वाले हैं। और ये एक्सपर्ट पैनल 45 दिनों के अंदर चार्टर ऑफ ड्यूटीज को रिडिफाइन करके मौजूदा और भविष्य के बैटलफील्ड सिनेरियोस को ध्यान में रखकर ही एक स्पेसिफिक डायरेक्टिव के साथ नया रोड मैप तैयार करेगा। और जबकि इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जून के महीने में करीब 7 ऐसे टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया है जिनमें प्राइवेट सेक्टर से कई बिलियन डॉलर के एम्यूनिशन को खरीदने वाले ऑर्डर शामिल थे। और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए इंडस्ट्री के इंसाइडर्स ने यह कहा कि इन सब चीजों में सबसे डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि इन टेंडर के साथ आगे नहीं जाना है। इस चीज का फैसला करीब 3 साल बीत जाने के बाद किया गया है और यहाँ तक कि इसमें उनको फील्ड ट्रायल्स के लिए भी मौका नहीं दिया गया है, तो ऐसे में वो अपनी एबिलिटीज को कैसे डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे। और जबकि इसके साथ एक रिपोर्ट है कि थाई इन्वॉय की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि रॉयल थाई आर्मी के लिए टाटा मोटर्स से करीब 600 मिलिट्री ट्रक्स को खरीदा जाएगा और इसके तहत वे इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स से 600 LPTA मिलिट्री ट्रक्स खरीदेंगे क्योंकि वो उनके पर्पस के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। और जबकि चीन को संकेत देते हुए भारत ने वियतनाम को भी अपने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में कोलैबोरेट करने के लिए आमंत्रित किया है। और जबकि दोनों देशों ने इस इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सहमति भी दी है। और इसी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत दोनों देश सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मरीन साइंस और अन्य न्यू टेक्नोलॉजीज पर एक साथ मिलकर काम भी करेंगे। और अगर चीन की बात हो रही है तो आपको इससे जुड़ी एक जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में US एयरफोर्स के U-2 स्पाई प्लेन्स चीन के नॉर्थ में नो फ्लाई जोन में घुस आए थे और US एयरफोर्स के प्लेन ने इस नो फ्लाई जोन में तब प्रवेश किया जिस समय चीन की लाइव मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी। और ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि US एयरफोर्स के इन स्पाई प्लेन ने चीन की इस लाइव मिलिट्री ड्रिल को कैमरे में भी कैद किया है। खैर, अगर चीन इसके बारे में बात नहीं करता तो शायद ये जानकारी किसी के सामने आती भी नहीं, लेकिन चीन ने खुद बयान जारी करके US एयरफोर्स के इस हरकत की निंदा की है। और चीन के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि देश के उत्तरी हिस्से में लाइव मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान नो फ्लाई जोन में अमेरिकन एयरफोर्स के U-2 स्पाई प्लेन की घुसपैठ एक गंभीर और खुलेआम की गई उकसावे वाली कार्रवाई है।
और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और अमेरिका को ऐसी हरकत रोकने की भी मांग करते हैं। और ये घटना इससे भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि पिछले ही महीने अमेरिका के दो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शंघाई से केवल 75 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए थे। और चीन का तो ये आरोप है कि अमेरिका के इन स्पाई प्लेन ने उत्तरी इलाके में उनकी आर्मी की लाइव मिलिट्री एक्सरसाइज की कई घंटे तक जासूसी भी की है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।